थमागैणी केम छो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग एंड ये है मोबाइल होल्डर फॉर स्कूटर्स। अब दोस्तों यहाँ पे इसीलिए मैं आज खुले एनवायरनमेंट में आया हूँ ये आपको बताने के लिए कि ये चीज़ कैसी हो सकती है। दोस्तों वैसे मेरे खुद के पास एक्सेस है, सुजुकी एक्सेस 125। तो दोस्तों मैं है ना हमेशा जब मैं ड्राइव करता हूँ तो मैं एक चीज़ ज़रूर सोचता हूँ कि यार एक कोई ढंग का क्या मोबाइल होल्डर मुझे मिल सकता है जो मेरी स्कूटी पे लगा के ड्राइव कर पाओ। तो दोस्तों वैसे मैंने काफ़ी सारे मोबाइल होल्डर्स ट्राई किए, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो ये जो एक्सेस का जो कांच होता है ना हमारी स्कूटी का, तो यहाँ पे आपके पास एक्टिवा भी हो तो आपने भी शायद ऐसा वाला एक मोबाइल होल्डर लिया होगा जो यहाँ पे नट में फिट होता है एंड फिर आपको उस पर मोबाइल लगाना होता है। बट वहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब भी रोड पे अगर यू नो अगर कुछ खड्डे आया कुछ भी आ गया तो वहाँ पे दोस्तों या तो वो मोबाइल होल्डर हिलना शुरू हो जाता है या फिर हमारा मोबाइल गिर जाता है। तो ऐसे वाले मोबाइल होल्डर्स मैंने बहुत ट्राई कर लिए एंड फॉर दैट प्राइम रीज़न मैंने ये वाला मोबाइल होल्डर मंगवाया अमेज़ॉन से। अब दोस्तों इसकी जो बेस्ट बाय लिंक एंड ये जो सारी जो डिटेल्स है वो आप वैसे भी पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में चेक कर पाओगे, ठीक है? तो वो आप ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पे मैं आपको आज ये बताता हूँ कि इसका एक बार तो हम अनबॉक्सिंग करते हैं एंड फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली ये लगा के भी बताता हूँ कि ये स्कूटी पे कैसा काम करता है। मतलब कि ओवरऑल मैंने तो इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे पड़े हैं एंड डैट इज़ वाई मुझे खुद को इसे पर्सनली ट्राई भी करना था एंड आई थॉट कि अगर ये अच्छी चीज़ हो तो मैं ये आपको भी क्यों ना बताऊं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सारी चीज़ें कवर करके बताने वाला हूं। तो अब इसे अनबॉक्स करने से पहले आपको ये बता दूं कि इसके बॉक्स के आगे एंड पीछे क्या लिखा है। तो दोस्तों ये जेट लाइफ कंपनी का ये मोबाइल होल्डर है जो यहाँ पर लिखा भी है फॉर स्कूटर्स। ये वाटर रेजिस्टेंट लिखा गया है एंड ये फॉल प्रूफ एंड डैमेज फ्री है। अब वो कैसे फॉल प्रूफ एंड डैमेज फ्री है इसको हम चेक करेंगे, ठीक है? यहाँ पर लिखा है कि टच स्क्रीन ऑपरेट कर सकते हैं, ये क्विक एंड ईजी टू इंस्टॉल है एंड नो टूल्स आर रिक्वायर्ड। सो ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसे खास मंगवाया कि यहाँ पे कोई भी टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो दैट्स गुड। वन साइज फिट्स ऑल स्मार्टफोन्स, इस तरफ आप देख पा रहे हो ऐसे ये बताया गया है, ठीक है? यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा गया है, सेम गोज हियर। एंड अगर पीछे की साइड की बात करें तो ये है, यहाँ पे इसके फीचर्स बताए गए हैं एंड बाकी यहाँ पे कंपनी का नाम है विच इज़ वर्धमान सुपर स्टोर एंड बाकी यहाँ पे इनकी सारी डिटेल्स बताई गई है। इसकी MRP तो यहाँ पे 799 बताई जा रही है। तो अब इसमें से इसे हम बाहर निकालें एंड इस बॉक्स को साइड में रख दें। तो यहाँ पे पैकेट के अंदर से इसे भी हटा दिया जाए एंड इसे भी खोल दिया। तो ये हम देख पा रहे हो ये इस तरीके से जेट लाइफ एंड ये ऐसा ये पूरा पाउच के जैसा बाहर आ जाता है। अब मैंने नीचे के सारे बॉक्सेस हटा दिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर इसके फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करें देन ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे मैंने पहले बताया ये जेट लाइफ लिखा है। ये मैंने ये वाला कलर मंगवाया था, सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ ब्लैक कलर या ग्रेइश आप बोल सकते हो। यहाँ पे ये इसके ज़िप है जिसके अंदर हम यहाँ पे मोबाइल को रखने वाले हैं एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, देखिए आप इसकी ज़िप काफ़ी मोटी है। तो अगर आप ये देखोगे तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ज़िप की। गोइंग बाय दिस इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सो इसका ड्यूरेबिलिटी फैक्टर हमें अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से दिया है एंड ये जो स्ट्रैप दिया है एंड इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एज यू कैन सी ये एक लॉकिंग साउंड भी आ रहा है एंड फर्स्ट इम्प्रेशंस दिस इज़ रियली गुड। अब इसे हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देख लेते हैं। तो अब हम इसे मेरे एक्सेस पे लगा के चेक कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे इसे स्कूटी पे लगा दिया है एंड दोस्तों ये जो स्ट्रैप्स है ये बहुत ही ज़ोरदार हैं क्योंकि इनकी जो ये जो पकड़ है ये भी स्ट्रॉन्ग है एंड ये काफ़ी इलास्टिक है। इनको मैंने ऐसे नीचे बकल से ये बंद कर दिया है, ठीक है? इसी के अंदर ये एक हमें पेपर मिलता है जो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है एंड इस तरीके से है। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि जब भी आप इसे दिन में यूज़ करो या हॉट वेदर में यूज़ करो, मतलब कि यू नो जब ज़्यादा गर्मी हो ना तब आप थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर से ज़िप खुली रखा करो ताकि यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी हीट बाहर निकला करे। फिर ये बाकी सारी चीज़ें लिखी गई है एंड ये भी बताया जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पे हमें नीचे ये चार्जिंग एंड ईयरफोन का स्लॉट भी मिल जाता है, ये देखिए। तो ये हमें यहाँ पे मिल रहा है,
तो बस इसे हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब चलो मैं आपको इसे प्रैक्टिकली भी टेस्ट करके बता देता हूँ। सो नाउ अब आप देख पा रहे हो मैंने इसे यहाँ पे स्कूटी पे लगा दिया है एंड मैंने इसमें एक डायरेक्शन भी यहाँ पे पुट इन कर दिया है कि मुझे जाना है जहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये किस तरीके से ये हमें गूगल मैप्स पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी बात ये भी हो जाती है कि यहाँ पे इस फ़ोन को आप ऐसे ऑपरेट भी कर सकते हो इसमें अंदर रख के, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का सिर्फ एक ध्यान देना है कि आपको आपके फ़ोन का जो पॉकेट मोड है इसे बंद कर देना, अगर वो ऑन रहेगा तो यहाँ पे आप इसे ऑपरेट नहीं कर पाओगे, ओके। एंड मुझे और एक अच्छी चीज़ ये लग रही है कि ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। ये देखिए मैं इसे काफ़ी अच्छे खासे में मेरी स्कूटी को मैं रन कर रहा हूँ बट ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो दोस्तों हम वो जो दूसरा वाला जो आता है ना जो यहाँ पे हम कांच पे हम लगाते हैं वहाँ पे, तो दोस्तों ये अभी तक तो इतने जर्क्स में तो काफ़ी कुछ हिल गया रहता बट यहाँ पे बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है एंड ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ तो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। इसका सिर्फ मुझे एक ही छोटा सा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, वो एटलीस्ट मुझे तो नहीं प्रॉब्लम करेगा बट जिनको भी ये स्पीडोमीटर देखने की आदत है तो वो आप नहीं देख पाओगे क्योंकि ये एग्जैक्टली स्पीडोमीटर के ऊपर ही जो है सेट हो रहा है। अब देखिए अब मैं ऐसे बम्पर पे से भी गया तो भी आपको मेरी वीडियो में थोड़ा सा शेक नज़र आएगा बट ये बिल्कुल नहीं हिलेगा जगह से। सो दिस इज़ रियली नाइस दोस्तों। सो नाउ दोस्तों हियर्स माय फाइनल रिव्यू फॉर दिस वन। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ लेनी है तो ये डेफिनेटली वर्थ इट है क्योंकि ये जो फ़ोन होल्डर है इसके फ़ायदे काफ़ी अच्छे हैं। ये पूरा वाटरप्रूफ है तो ये हमें बारिश में भी काफ़ी अच्छा काम आ सकता है। प्लस इसमें ना ही कोई टूल चाहिए ना ही कोई टूल किट चाहिए इसे लगाने के लिए, आप बस इसे अपने स्कूटी पे लगाइए एंड बस इट्स रेडी टू यूज़। एंड और एक चीज़ अच्छी ये है कि यहाँ पे आप फ़ोन को इजीली ऑपरेट कर सकते हो। प्लस यार इतने सारे शेक्स आने के बावजूद फ़ोन बिल्कुल हिलता नहीं है, फ़ोन बिल्कुल गिरता नहीं है। तो वही चाहे आपका यू नो 10,000 का फ़ोन हो या 1,00,000 का फ़ोन हो ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड दोस्तों और एक चीज़ ये भी अच्छी है कि ये एक तरीके से एंटी थेफ्ट भी काम करता है। एंटी थेफ्ट इन द सेंस जब एटलीस्ट आप चला रहे हो तो अचानक से यू नो सामने से कोई जिप आके खोल के तो एकदम से लेके भागने नहीं वाला आपके फ़ोन को, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। बस एक ही है भाई कि ये जो है जब आप यू नो आप अपनी गाड़ी को पार्क करके आप कहीं और जा रहे हो तो प्लीज़ आप इसे निकाल के लेके जाना अपने साथ या आप इसको स्कूटी की डिक्की में रख देना क्योंकि ये बकल्स पे है तो ये कोई भी निकाल के ना लेके जाए, इसका आपको ध्यान देना है, दैट्स इट। बाकी तो जब तक आप स्कूटी पे हो आप इसे इजीली आप यूज़ कर पाओगे, आपके मोबाइल को भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो मेरी तरफ से इसे मिलता है कंप्लीट थम्स अप। अगर आपको भी इसे चेक करना है तो मैंने पिन कमेंट में इसकी बेस्ट बाय लिंक्स को दे दिया है, वहीं से आप इसे चेकआउट कर लीजिए। एंड दोस्तों आप मेरी चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा ताकि मैं आपको ये भी बता दूं 6 महीने डाउन द लाइन कि क्या तभी भी ये चल रहा है या नहीं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए।